तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिरी और क्राइम की कहानी को लेकर, लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है चूरू, और उसी चूरू जिले में एक गांव पड़ता है बैसली, और इसी बैसली में एक अलग से खेतों में डाणी होती है। अब उसी डाणी में अब एक घर होता है जिसका बोप सिंह का। अब बोप सिंह अब वहीं पर उसके परिवार रहता था, लेकिन सारा परिवार एक साथ रहता था। आपने सुना होगा काफ़ी अब वीडियो वहाँ की वायरल हुई। अब बोप सिंह के घर में किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी या वहाँ पे कुछ ऐसा टोटका कर दिया जो अपने आप आग लग जाया करती थी। उसके बाद अब जैसे जैसे वीडियो वायरल हुई, तभी अब वो मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस आती है, लेकिन पुलिस भी वहाँ पे जैसे ही देखती रहती है अपने आप आग लग जाती थी। उसके बाद अब ग्रामीणों ने नाराज हो गए, जैसे ही पुलिस आती है उसके ऊपर भी पथराव कर देते हैं, लेकिन वो ये कहती है कि पुलिस इस घर की आखिर मदद क्यों नहीं कर रही। उसके बाद अब विस्तार से बताएं आपको कि 1 फरवरी को अब जो उस घर में दादी होती है जिसका नाम होता है कस्तूरी देवी, अब कस्तूरी देवी की एकदम से अब जैसे ही खांसी आई, खांसी आने से उसके एकदम से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद अब उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लोग ये सोचते हैं सामान्य मौत है। उसके बाद लोग अफसोस जरूर करते हैं, लेकिन अब जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, लेकिन ठीक 13 दिन बाद अब फिर उसका एक लड़का होता है गुरवीत, अब वो 4 साल का होता है। अब ठीक वैसे ही अब फिर उसकी मौत हो जाती है, अब 13 फरवरी को। अब 13 फरवरी, 1 फरवरी को उसकी दादी की मौत होती है, 13 फरवरी गुरवीत की मौत हो जाती है। ठीक वैसे उसको भी ऐसी खांसी आती है और उसकी मौत हो जाती है। अब फिर उसको अब दफना दिया जाता है, जो हिंदू रीति रिवाज में अब छोटे बच्चे को अब वो अंतिम संस्कार करते हैं तो उसको जमीन में दफनाया जाता है, उसी हिसाब से उसको दफना देते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है, लेकिन अब 28 फरवरी आ जाती है। 28 फरवरी को जो उसका बड़ा बेटा होता है 7 साल का अनुराग, उसकी भी ठीक वैसे ही खांसी आती है, और जैसे ही उसको आनंद फानंद में मेडिकल लेके जाते हैं वो सोचते हैं 2 मौत पहले ही हो गई, लेकिन ये तीसरी ऐसे ही ना हो जाए उसी वजह से, लेकिन अब उसकी भी मौत हो जाती है। ठीक वैसे ही तीनों की मौत हो जाती है। उसके बाद अब ये परिवार, इसी परिवार में अब 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक 3 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद ये मामला पुलिस तक जाता है और पुलिस आती है, जांच करती है, लेकिन अब फिर उस घर में पथराव होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही पत्थर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से उस घर में जैसे ही कोई कपड़ा रखते थे उसी में आग लग जाती है। अब खुट्टी पे कोई, अब जैसे ही तो टॉवल वगैरह रखते थे उसी हिसाब से उसमें आग लग जाती थी, या फिर कोई बाथरूम में बनियान रखते थे उसमें आग लग जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये आग उनके घर के अंदर पहुँच जाती है। जो सोने वाले कपड़े होते हैं, अब बिस्तर होते हैं उसमें, बेडशीटों में उन पर आग लगनी शुरू हो जाती है। अब फिर चाहे भैंस का चारा हो या कुछ भी हो, उस घर में एकदम से आग अपना अपना रूप दिखाती है। उसके बाद गांव वाले वहां पे पहरा देते हैं, कम से कम 100 से 200 आदमी वहां पे हरदम रहते हैं, लेकिन उसी दौरान भी वहां पे ये सब होता रहता है। फिर कोई कहता है कि यहां पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए ताकि उसकी निगरानी में ये सब पता चल सके। उसके बाद फिर सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं, लेकिन उसका डीवीआर जल जाता है। लेकिन अब ये सोचते कि इसका डीवीआर जल गया, लेकिन अब कैमरा भी वहाँ पे काम नहीं करता। उसके बाद अब पुलिस पे जैसे ही पथराव हुआ, पुलिस के बड़े अधिकारी आते हैं और जांच करने की सोचते हैं। उसके बाद वो आश्वासन देते हैं कि जांच करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब जो दादी की मौत हुई और फिर जो बड़े बेटे की मौत हुई, उनका अंतिम संस्कार हो चुका और उनके कोई सबूत नहीं है। उसके बाद पुलिस कहती है कि ये जो आपका बेटा है गुरवीत, अब इसको, अब जो दफनाया गया है इसको निकाल करके इसकी पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा ताकि इसका पता चल सके इसकी मौत कैसे हुई है। उसके बाद परिवार वाले हाँ कर देते हैं, लेकिन अब पुलिस कोर्ट से इजाज़त लेती है और इजाज़त लेकर के एक डॉक्टरों की टीम गठित करते हैं, और फिर वो टीम पोस्टमार्टम करती है और फिर उसमें पता चलता है कि इसको जहर दे के मारा गया है। उसके बाद पुलिस अब इधर से उधर जाँच करती रहती है। अब पुलिस की शक की सुई घूमती है कि जो दादी व एक और बड़ा बेटा होता है उसको भी हो सकता है कि जहर दे के मारा हो। उसके बाद अब अलग अलग तरीके से जांच करते हैं। अब फिर इनको, पति पत्नी को, दोनों को अब पुलिस अपने पास बुलाती है। उसके बाद भूप सिंह व उसकी पत्नी अब पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस उठा के लेके जाती है और फिर अलग अलग इनसे पूछताछ करती है। लेकिन जैसे ही पत्नी से पूछताछ करती है, उसकी जैसे ही साफ साफ बातें बताती है, अब फिर उसकी पत्नी को वहाँ से कहते हैं आप अपने घर चले जाओ। उसके बाद अब कुछ वक्त बीतता है और फिर उसके जो पति है भूप सिंह, उससे पूछताछ करते हैं। उसके बाद पुलिस अब भूप सिंह से कहती है कि या तो तुम अपने आप बता दो सारी सच सच आखिर बात क्या है, या फिर हम अपने तरीके से पूछेंगे तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी। उसके बाद भूप सिंह सारी बात बताता है और एक एक बात बताता है।
अब वो बताता है मैंने दादी को ही मैंने मारा है और दोनों बच्चों को मैंने मारा है। अब वो कहता दादी के पास ज्यादा रहते थे तो मैं फिर पहले दादी को जैसे ही अब खांसी की दवाई देते थे उसी दवाई में मैंने जहर दे दिया और ठीक जैसे ही अब जहर दिया तो उसकी खांसी आने से एकदम से मौत हो गई, उसके उल्टी आई और उससे मौत हो गई। उसके बाद फिर मैंने फिर एक एक करके दोनों बेटों को भी जहर दे दिया ताकि लोगों को ये लगे अब दादी व दोनों बेटे एक तरह से ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद मैंने घर में पथराव किया और फिर जो मैंने आग लगाने की जो प्रक्रिया है वो सोडियम को अब उसका छिड़काव कर देता था किसी भी कपड़े के ऊपर। अब सोडियम का छिड़काव करने से किसी भी कपड़े को अब जैसे ही अब रखते हैं उसके बाद वो हवा के संपर्क में आता है तो उससे फिर उसकी आग लगनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये सब करके अब गांव वालों को और वो ये दिखाता था कि जैसे जैसे इसके घर में जो हो रहा है कुछ तांत्रिक ऐसा सब कुछ हो रहा है और फिर उसको ये भी लग रहा था कि जो भी नुकसान है अब गांव वाले मिलके या सरकार से या पुलिस से किसी से भी मेरा जो भी नुकसान है इसकी भरपाई कर देंगे या पैसा इकट्ठा करके मेरे को दे देंगे, ये सब सोचता है। लेकिन पुलिस ये कहती है आखिर तूने बच्चों का कत्ल किया क्यों? अब वो कहता है कि मैं दो बच्चों का कत्ल इसलिए किया कि मेरी जो पत्नी होती है वो उसका कहीं किसी और के साथ चक्कर है और मेरे जो बच्चे हैं दोनों ये मेरे नहीं है ये किसी और के हैं। उसके बाद उसको वो अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं था, अब उसके चरित्र पे वो शक करता था। उसी वजह से अब जो दो बच्चे होते हैं उसके घर में अब वो उन पे विश्वास नहीं करता था कि ये आखिर मेरे बच्चे हैं, अब वो ये सोचता था ये किसी और के बच्चे हैं दोनों के दोनों। लेकिन अब उन दोनों की हत्या कर देता है और फिर उस दादी की भी उनके साथ हत्या कर देता है। लेकिन उसने ऐसा रूप दिया कि कोई भूत पिशाच ऐसा कुछ कर रहा है और ये सब हो रहा है जो इसके घर में आग लग रही है और ऐसे मौत पे मौत हो रही है, उसका शकल देने के लिए उसने ये सब किया। लेकिन अब चाहता तो ये अब उसका डीएनए टेस्ट करा लेता दोनों बच्चों का, या फिर अगर ऐसा ही सच था तो उन बच्चों की और दादी की मौत के अलावा इसकी पत्नी को छोड़ भी सकता था, उससे तलाक ले सकता था, डिवोर्स ले सकता था, न तो वो बच्चे मरते और न ही ये दादी मरती। लेकिन जो भी हुआ अब फिलहाल अब भूप सिंह पुलिस की हिरासत में, उसको फिर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन जो इतने दिनों से अब एक पाखंड चल रहा था वहां पे तांत्रिक आते थे वो जाते थे वो ये कहते थे यहाँ पे बहुत किसी ने बुरा कराया है, यहाँ पे जिन का साया है, यहाँ पे पिशाच का साया है और वहां पे जो भी आता था कोई ना कोई अजीब अजीब बातें करता था। लेकिन हमने पहले ही वीडियो में कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई या तो भूप सिंह या उसकी पत्नी इनमें से कोई ना कोई है जो ये सब कर रहा है, या फिर कोई परिवार का आदमी है या फिर कोई नजदीकी रिश्तेदार है जिनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। लेकिन हमने जो बताया उसी में से निकला अब फिलहाल इसकी पति पत्नी में से ही एक निकला क्योंकि इसके पति ने जो दो बच्चों का कत्ल किया और उसकी दादी का भी कत्ल किया। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें सावधान रहें। तो कैसी लगी आज ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद जय भारत।